अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बट 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक बहुत बैड डिजास्टर हुआ है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रही है, क्योंकि हैपन ये हुई थी, मैं कहीं से वापस आ रही थी और रास्ते में मुझे मेरे काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। ठीक है, उसने रोड को क्रॉस किया मेरे सामने से, और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों, मुझे पता है कि हमें इस चीज़ को मानना नहीं चाहिए, ये गलत है, कैसे क्लिक किया, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं हमेशा अराउंड, जो सुनते रहते हैं वो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और आपको वो फील होने लगती हैं। तो मेरे दिमाग में फौरन क्लिक हुआ, हाँ ये काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, तो आई डोंट नो अब क्या होएगा। तो मैं बड़े एहतियात से गाड़ी चला रही थी, बड़ा मैं मोर अलर्ट हो गई, एंड देन मैंने दुआएं की और सारा कुछ मेरे दिमाग में, तब तक वो चल रही थी बात, चलता जा रहा था। तो थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ अपने घर के करीब, तो देन मैंने साइड से देखा है कि एक बड़ा सा ना परिंदा, जिसको शायद इंग्लिश में कहते हैं वॉल्चर, एंड देन उसको हमारी उर्दू जबान में कहते हैं गिद्ध, जो साइड पे कोई एनिमल मरे हुए होते हैं तो उनको वो खाती है। तो चील भी कहते होंगे, चीलें भी होती हैं, चील शायद डिफरेंट चीज़ है, ये गिद्ध थी। तो वो मैंने देखी है उड़ती हुई, साइड से मुझे नज़र आई है, देन मैंने यकदम देखा है तो वो मेरी ना जो विंडशील्ड है उसके ऊपर आके ठा करके गिरी है। पता नहीं मैं उसके रास्ते में आ गई हूँ या वो मेरे रास्ते में आई है, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ है। और मैं इतनी पैनिक हो गई और मैं इतनी शॉक में चली गई कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, और मुझे समझ भी नहीं आई कि क्या हो रहा है। मैंने राइट वे फिर घर में फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आराम से हैज़र्ड लाइट ऑन करके स्लोली से तुम घर जाओ, तो फिर मैं आके चेक करता हूँ। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, मैंने कुछ उसके क्लिप्स लिए हैं, और वो जो परिंदा है मैं उसका भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो किस किस्म का लगता है, कैसा है, क्या है। तो मेरी गाड़ी जौन सी है, फिर 2 दिन के लिए मैंने वर्कशॉप में भेजी, और थोड़ा सा बोनट के ऊपर डेंट भी हो गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने फिक्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ठीक है, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि ये मुझे क्या करना चाहिए था, और क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर काली बिल्ली रास्ता आपका काटती है तो आपके साथ बैड हैपन होता है, क्या किसी के साथ कभी ऐसे हुआ है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हुआ है या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह फिर मैं बाकी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि ये मैं काफ़ी देर शॉक में रही थी और 2-3 दिन मैं काफ़ी परेशान थी कि ये क्या हुआ है, और मैं बड़े एहतियात से फिर गाड़ी चलाने लग गई जब मैंने काली बिल्ली को देखा है कि वो रास्ता मेरा उसने काटा है। तो आप प्लीज़ बताइएगा, अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, किसी बड़े एक्सीडेंट से अल्लाह मियाँ ने मुझे बचाया है, आई डोंट नो क्या है, कैसे हुआ, क्या चीज़ थी वो, क्यों, मैंने कभी आज तक सुना नहीं था कि ऐसे कभी होता है। मैं यही सुनते थे कि जहाज़ के में होता है, उनके परों में इस तरह के बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होता है, और वो अक्सर एयरपोर्ट पे भी इस चीज़ को वो कोशिश करते हैं कि वो कहीं पे अराउंड जो है वो इस किस्म के परिंदे ना हों जिससे उनको कुछ एक्सीडेंट हो या समथिंग। तो प्लीज़ आप बताइएगा किसी और के साथ कभी ऐसे हुआ है या नहीं हुआ, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में फिर बाद में कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो मेरे पास यही एक स्टोरी थी।
ये गाड़ी ठीक होने के बाद की है, ये जब उसका मिरर ठीक हुआ ना, विंडशील्ड ठीक हुई है, तो तब की है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। दैट वॉज द रियली बैड डिज़ास्टर। आई होप आपको ये मेरी हैपनिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने सब फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मुझे और हम सब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ोमान में रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी अपनी हिफ्ज़ोमान में रखे। जब आप रोड पे जाएं तो अल्लाह ताला आपको हर तरह की सेफ्टी में रखे। अल्लाह हाफिज़।